नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, बड़े गुणकारी होते हैं पपीते के पत्ते, कर देते हैं गंभीर बीमारी को भी जड़ से खत्म। आज तक हमने पपीते का खाने में ही उपयोग किया होगा या सिर्फ पपीते के फायदों के बारे में ही जानना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पपीते के पत्ते बहुत ही ज़्यादा, पपीते से भी ज़्यादा गुणकारी होते हैं। वैसे तो पपीता हमारे स्वास्थ्य संबंधी कई रोगों से लड़ने में बहुत मदद करता है, जैसे त्वचा में पिगमेंटेशन को कम करता है, रिंकल्स को कम करने में मदद करता है, बालों को मुलायम रखता है और पेट की समस्या को भी दूर रखता है। लेकिन इससे कहीं अधिक फायदेमंद है पपीते के पत्ते। अगर पपीते के पत्तों की बात की जाए तो ये बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ने में बहुत ही फायदेमंद है। पपीते का पत्ता डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों से भी लड़ने में मदद करता है। पपीते के पत्ते का जूस पीने से खून में प्लेटलेट्स बढ़ता है। डेंगू मलेरिया से लेकर कैंसर, डायबिटीज जैसी कई बड़ी और खतरनाक बीमारियों के लिए भी पपीते का पत्ता एक रामबाण औषधि मानी जाती है। कई प्रकार के वैज्ञानिक शोधों से पता लगा है कि पपीते के सभी भागों जैसे फल, तना, बीज, पत्तियां, जड़ सभी के अंदर कैंसर की कोशिका को नष्ट करने और उसके वृद्धि को रोकने की क्षमता पाई जाती है। और कई शोधों में पता चला है कि पपीते के पत्तों में कैंसर कोशिका को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। शोध में पाया गया कि पपीते की पत्तियां लगभग 10 प्रकार के कैंसर को ख़त्म कर सकती है। पपीते के पत्तों का जूस पेट से जुड़ी कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। पपीते के पत्तों में कई तरह के एंजाइम्स होते हैं, जैसे पापेन, काइमोपापेन, प्रोटीज और एमिलेज आदि। इसलिए रोजाना एक कप पपीते के पत्तों का जूस या चाय पीने से पेट की तमाम समस्याओं को आराम मिलता है। यह आपकी पाचन शक्ति को बेहतर करता है और साथ ही पेट में गैस की समस्या को भी दूर रखता है। डायबिटीज़ में पपीते के पत्तों का जूस एक लाभकारी दवा है। बता दें कि पपीते का जूस पीने से ब्लड शुगर का लेवल कम हो सकता है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को रोज़ाना थोड़ी मात्रा में पपीते के पत्तों का जूस पीना चाहिए। एक शोध के मुताबिक ऐसा देखा गया है कि पपीते के पत्तों का जूस पीने से खून में शुगर की मात्रा घटती है और लिपिड लेवल भी कम होता है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।